नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज वन और मैं हूं आपके साथ पूनम। ब्राह्मण समाज के दिलीप शर्मा ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में निकल रही परशुराम अमृत कलश यात्रा देशराम अबूरोड पहुंची, जहां पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अमित जोशी, हरिओम शर्मा, गोपाल दायमा, सुनील खूत, ओम प्रकाश शर्मा, प्रवक्ता गोपाल शर्मा, केतन पुरोहित, नरेंद्र मिश्रा, जगदीश आचार्य, विप्र फाउंडेशन के महामंत्री जितेंद्र गौड़, पार्षद सुमित जोशी, रमेश वैष्णव, पालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा की अगुवाई में भव्य स्वागत और सत्कार कर भगवान परशुराम की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर आरती की गई। यात्रा के प्रमुख संत रामनारायण दास महाराज का भी ब्राह्मण समाज की अर्चना शर्मा, स्नेहलता शर्मा, रेणु शर्मा, सुमन कुमारी, सुनीता देवी, निर्मला दायमा, भावना आचार्य, जितेंद्र गुण, अशोक चतुर्वेदी आदि ने शॉल और माला अर्पण कर बहुमान किया। इस अवसर पर यात्रा तरतुली स्थित जगदीश्वर धाम के श्री राम मंदिर पहुंची, जहां पर समाज के जगदीश आचार्य, निखिल जोशी, राजन वशिष्ठ, संजय शर्मा, रेलवे गोपाल दायमा, अनिल अग्निहोत्री ने ब्राह्मण बंधुओं का स्वागत सत्कार कर अबूरोड शहर के कोने कोने से आए सभी ब्राह्मण बंधुओं को यात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवक्ता गोपाल शर्मा, पालिका अध्यक्ष रवि शर्मा, केतन पुरोहित, नरेंद्र मिश्रा, समाज के अध्यक्ष अमित जोशी आदि ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। इस अवसर पर संत राम नारायण दास महाराज, भवानी पायवाल, प्रमोद व्यास आदि ने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही ब्राह्मण के गौरवशाली इतिहास के बारे में अपनी बातें भी रखी और बताया अरुणाचल प्रदेश में 11 करोड़ की लागत से 51 फीट की पंच धातु की दिव्य और भव्य भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना हो रही है।